नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला टेक में। ओनली टेक, नो फेक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है और इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें लिंक हो चुकी है, जैसे कि बैंक अकाउंट, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी और भी बहुत सारी चीज़, जिससे हमारा आधार कार्ड नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए UIDAI ने हमारी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए एक नई सर्विस की शुरुआत की है, जिसका नाम है आधार वर्चुअल आईडी, जो कि 16 डिजिट का नंबर होता है और जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अपना बिना 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर बताए बिना, जिससे आपका आधार कार्ड नंबर और पर्सनल डिटेल दोनों सुरक्षित रहता है। जैसे कि कोई भी कंपनी अगर आपके आधार को एक्सेस कर रही है, अगर आपने आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी का यूज किया है, तो वह कंपनी उतनी ही डिटेल को एक्सेस कर पाएगी जितना उसको ज़रूरत है। वर्चुअल आईडी आधार नंबर की तरह कोई परमानेंट नंबर नहीं है, बल्कि यह टेम्पोररी नंबर है और आप इसे चाहे जितनी बार भी जनरेट कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि कोई भी कंपनी आपके पहले वाले वर्चुअल आईडी का यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ही आप न्यू वर्चुअल आईडी जनरेट करेंगे, पहले वाला वर्चुअल आईडी काम करना बंद कर देगा। वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए आपके पास दो चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला यह कि आपके पास 12 डिजिट आधार नंबर होना चाहिए। दूसरा यह कि आपका आधार नंबर जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आप वर्चुअल आईडी जनरेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं वर्चुअल आईडी जनरेट कैसे करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। टाइप करना है uidai.gov.in, जो कि UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहां आधार सर्विस वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर VID जनरेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां अपना आधार नंबर इंटर करना है, कैप्चा इंटर करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उसे सिंपली यहां इंटर कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम वर्चुअल आईडी जनरेट कर रहे हैं तो आपको सिंपली जनरेट VID पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले कभी वर्चुअल आईडी जनरेट किया है और उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रिट्राइव VID पर क्लिक करके जनरेट कर देना है। जनरेट पर क्लिक करते ही आपको एक मैसेज आएगा जो बताएगा कि आपका वर्चुअल आईडी जनरेट हो चुका है और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। तो है ना आसान। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं किया है तो जाइए जनरेट कीजिए और अपने आधार नंबर को सेफ और सिक्योर बनाइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।